Hello, I'm Ritesh and I'm making a video for creating user control in VB.NET. तो चलिए देखते हैं कि VB.NET में खुद का कंट्रोल कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने फाइल में जाना है न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है विंडोज फॉर्म कंट्रोल लाइब्रेरी। इसको आप कौन से लोकेशन पर सेव कर रहे हैं इस लोकेशन को आपने ध्यान में रखना है। मैं इस कंट्रोल लाइब्रेरी को नाम दे देता हूँ माई कंट्रोल्स। ये एक लाइब्रेरी आप क्रिएट कर रहे हो जिसके अंदर आप जितने चाहे उतने खुद के कंट्रोल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट ऐड हो गया है, माई कंट्रोल्स मेरे लाइब्रेरी का नाम है और इसके अंदर बाई डिफॉल्ट एक कंट्रोल आया है यूज़र कंट्रोल वन। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ और इसको मुझे जो कंट्रोल बनाना है, मैं एक डिजिटल वॉच यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं इस कंट्रोल को नाम दे देता हूँ माई वॉच। यस, ये वो इंटरफेस है जहाँ पर आप खुद का कंट्रोल डिज़ाइन कर सकते हो। अब यूज़र कंट्रोल को यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, तो यूज़र कंट्रोल को आप जब बनाते हो तो एग्जिस्टिंग जो कंट्रोल अवेलेबल है उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आप बनाते हो। कोई नया कंट्रोल यहाँ क्रिएट नहीं होता है, नया कंट्रोल क्रिएट होता है बट जो ऑलरेडी कंट्रोल क्रिएट है उन्हीं के कॉम्बिनेशन से। तो अगर आपको डिजिटल वॉच क्रिएट करनी है तो क्या क्या लग सकता है, टाइमर लग सकता है, लेबल्स लग सकते हैं, फॉर्म लगेगा, तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपका कंट्रोल क्रिएट होगा। तो मैं मेरे डिजिटल वॉच को यहाँ पर डिज़ाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले इस इंटरफेस का बैक कलर मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ ब्लैक। मैं बेसिकली इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, आप चाहे तो जितनी चाहे उसमें एडवांस फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फोर कलर इसके ऊपर आने वाले टेक्स्ट का कलर वाइट रहेगा, दैट्स इट। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेबल। वन मोर थिंग आई विल डू, मैं इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, मतलब हर लेवल के लिए सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बोल्ड ट्रू कर देते हैं हम इसको और साइज में ले लेता हूँ 10। टेक लेबल इसमें हम सेट करेंगे इसका टेक्स्ट 00, दिस इज़ फॉर आर्स, दिस इज़ फॉर मिनट एंड दिस इज़ फॉर सेकेंड। तो इस लेबल का जो टेक्स्ट है, मैं आईडी है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ नेम, इसको मैं मीनिंगफुल नेम देता हूँ LBLHH फॉर आर्स। इसको मैं नाम दे देता हूँ LBLMM मिनट्स और इसको मैं नाम दे देता हूँ LBLSS फॉर सेकेंड। और इन दो लेबल के बीच में हम कोलन डाल देते हैं, सो आई विल टेक वन मोर लेबल और इस लेबल का टेक्स्ट मैं सेट कर देता हूँ कोलन। और यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर भी सेट कर दीजिए तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। सो हमने इसको डिज़ाइन कर लिया है। अब ये वॉच चलनी कैसी चाहिए, मतलब इसमें फंक्शनैलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो जैसे ही यूज़र इस वॉच को स्टार्ट करे, सेकेंड वाला जो काउंटर है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे ही यहाँ 60 हो जाए, मिनट एक से इंक्रीज होना चाहिए। जैसे मिनट 60 हो जाए, आर्स एक से इंक्रीज होना चाहिए। जैसे कोई भी नॉर्मल डिजिटल वॉच होती है उसी तरीके से इसने काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक टाइमर और टाइमर का जो इंटरवल है हम सेट करते हैं 1000। और इनिशियली मैं इसकी जो इनेबल प्रॉपर्टी इसको ट्रू रखता हूँ ताकि यहाँ पर मुझे टेस्टिंग के लिए आसानी हो। और टाइमर के टिक इवेंट में मैं कोड लिखता हूँ। जो सेकंड वाला लेबल है उसको हमको इंक्रीज करना है 1 से, सो आई राइट LBLSS डॉट टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू 1। जो भी सेकंड की वैल्यू उसमें एक ऐड होते जाएगा और यहीं पर आप इसको रन करके देख सकते हो। सो स्टार्ट डिबगिंग, ओके। तो ये सेकेंड की वैल्यू रन हो रही है यहाँ पर। जैसे ही सेकेंड 59 हो जाएगा, फॉर 60th सेकेंड
मिनट एक से बढ़ना चाहिए और ये जीरो जीरो हो जाना चाहिए। तो यही पर आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इफ एल बी एल एस एस डॉट टेक्स इक्वल्स टू 59 देन सेकेंड, जब 59 हो जाएगा तो मिनट मुझे एक से इंक्रीट करना है, सो एल बी एल एम एम डॉट टेक्स प्लस इक्वल्स टू 1 और सेकेंड को मुझे फिर से 0 सेट करना है, सो एल बी एल एस एस डॉट टेक्स इक्वल्स टू 0। और अगर ये ना हो तो एल्स ब्लॉक में हमारा सेकेंड का काउंटर बढ़ते रहेगा, तो ये वाले स्टेटमेंट को उठा के आपने इधर डालना है। और विल नॉट वेट 1 मिनट, तो मैं यहाँ पर इनिशियली सेकेंड सेट कर देता हूँ 55, बाद में हम इसको रिसेट कर लेंगे और टेस्ट करके देखते हैं इसको। 56, 57, 58, 59 और जैसे ही 60 हो गया ये 1 हो गया, ये फिर से 0 हो गया, मतलब ठीक तरीके से काम कर रहा है। वैसे ही हमें आर्स के लिए भी लिखना है, तो जब सेकेंड 59 होते हैं और मिनट भी 59 होते हैं, मीन्स इफ एल बी एल एम एम डॉट टेक्स इक्वल्स टू 59 देन आपको आर को एक से इंक्रीज करना है, सो एल बी एल एच एच डॉट टेक्स प्लस इक्वल्स टू 1, मिनट को 0 सेट कर देना है, एल बी एल एम एम डॉट टेक्स इक्वल्स टू 0 और सेकेंड को भी 0 सेट करना है, सो एल बी एल एस एस डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा ना हो तो इसके एल्स ब्लॉक में जाके आपने यहाँ पर ये कोड लिखना है। और फिर से हम 1 घंटा यहाँ रुकेंगे नहीं, तो मैं मिनट की वैल्यू सेट कर देता हूँ 59, तो मुझे टेस्टिंग के लिए आसानी होगी। एंड लेट्स रन दिस। तो जैसे ही ये 59 हो जाएगा, ये एक से इंक्रीमेंट होके 60 हो जाएगा, ओके परफेक्टली काम कर रहा है। तो यहाँ मेरा जो वॉच है वो रेडी हो गया है, मैं इसको फिर से 00 सेट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट आपको जहाँ ये कंट्रोल यूज़ होगा, जो भी यूज़र इसे यूज़ करेगा उसे फैसिलिटीज़ क्या क्या देने हैं, तो उस यूज़र के पास फैसिलिटीज़ होने चाहिए इसको स्टार्ट करने की, इसको स्टॉप करने की और इसको रिसेट करने की। मैं बेसिकली इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, आप और एडवांस चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर सकते हैं और इस कंट्रोल को आप एडवांस बना सकते हो। आई एम मेकिंग अ स्मॉल एंड बेसिक कंट्रोल, तो मैं ये 3 फैसिलिटी यूज़र को देना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं 3 सब प्रोसीजर यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा। सो गो टू कोडिंग साइट और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक सब प्रोसीजर क्रिएट करूँगा, सब स्टार्ट वॉच नाम की, स्टार्ट वॉच। और आपकी वॉच कब स्टार्ट होगी, जब टाइमर स्टार्ट हो, तो यहाँ पर इसके अंदर आपने सिंपल कोड लिखना है टाइमर 1 डॉट स्टार्ट। जैसे ही टाइमर 1 स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर का टिक कोड एग्जीक्यूट होगा और जो भी कोड आपने टिक इवेंट में लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा वहाँ पर। और उसी तरीके से मैं सेकेंड क्रिएट कर लेता हूँ, सब स्टॉप वॉच। यहाँ पे आपको टाइमर को स्टॉप करना है, तो आप लिखोगे टाइमर 1 डॉट स्टॉप और रिसेट में आपने तीनों लेवल के वैल्यूज़ को 00 सेट करना है, सो सब रिसेट वॉच। तीसरी मेरी जो प्रोसीजर रहेगी, सब प्रोसीजर, इसमें जो कोड रहेगा एल बी एल एच एच डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू 00, एल बी एल एम एम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू 00 एंड एल बी एल एस एस डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू 00। हम वॉच को रिसेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये 3 सब प्रोसीजर इसके अंदर है, जिनको आप जो भी ऑब्जेक्ट इस माय वॉच क्लास का क्रिएट होगा उससे आप कॉल कर सकते हो। तो ये कंट्रोल बन गया हमारा। ये होने के बाद आपने आपकी लाइब्रेरी को बिल्ड करना है, तो आपने माय कंट्रोल लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने बिल्ड करना है। तो यहाँ आपको मिलेगा 1 सक्सीड 0 फेल्ड और जहाँ आपने इस लाइब्रेरी, इस प्रोजेक्ट को सेव किया है, ये पाथ है, तो उस पाथ के ऊपर आपको जाना है, वहाँ आपको इस कंट्रोल की DLL मिलेगी। सो आई गो इनटू माय कंप्यूटर C ड्राइव, यहाँ पर यूज़र्स, यूज़र्स के अंदर
आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर विजुअल स्टूडियो 2010 और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोजेक्ट्स, जो भी लोकेशन आपने दिया है वहाँ पे जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा विन माइक कंट्रोल्स, मेरे प्रोजेक्ट का जो भी नाम है वो, इसके अंदर आपने जाना है और बिन में जाना है, डिबग में जाना है। यहाँ आपको मिलेगा माई कंट्रोल्स डॉट डी एल एल, तो ये आपके कंट्रोल की डी एल एल यहाँ पर रेडी है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको आप कैरी कर सकते हो, किसी भी सिस्टम पर आप इसको लेके जा सकते हो और वहाँ पर विजुअल स्टूडियो में अगर आप इसे ऐड कर देते हो तो आपका कंट्रोल वहाँ पर विजुअल स्टूडियो में अवेलेबल हो जाएगा। तो हम इसी सिस्टम पर इसको ट्राई करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, मैं यहाँ एक विंडोज़ प्रोजेक्ट बनाता हूँ, विंडोज़ प्रोजेक्ट, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन में हमें उस कंट्रोल को यूज़ करना है। तो यहाँ आप एट द एंड एक टैब यहाँ पर आप ऐड कर लो, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टैब, इसको आप नाम दे दो माई कंट्रोल्स, और इस टैब के अंदर हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और चूज आइटम्स पर क्लिक करते हैं। मतलब इस टैब के अंदर आपके DLL के अंदर जितने भी कंट्रोल है वो यहाँ पर लोड हो जाएंगे। सो गो ऑन ब्राउज, गो ऑन डेस्कटॉप, और यहाँ आपको मिलेगी माई स्टॉप वॉच माई कंट्रोल्स DLL। तो इसको सिलेक्ट करके आपने ओपन करना है, इसको ओके करना है। फिलहाल हमारे DLL के अंदर एक ही कंट्रोल है तो यहाँ पर आपको वो कंट्रोल मिलेगा माई कंट्रोल्स के अंदर माई वॉच। इसको आपने यहाँ से आपके फॉर्म के ऊपर लेना है, तो ये आपका कंट्रोल यहाँ लोड हो गया। यहाँ हमारी एक गलती हो गई, हमने टाइमर को स्टॉप नहीं किया है। ओके नो प्रॉब्लम, गो आई हैव गो इनटू माय कंट्रोल्स, यस। यहाँ इस टाइमर को सिलेक्ट करके ये जो इनेबल्ड हमने लिखा था इसको फॉल्स करो, दोबारा इसको बिल्ड कर लो। दोबारा से आपको आपकी DLL लेनी है, लोकेशन पर जाकर माय कंप्यूटर सी ड्राइव यूजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड माई कंट्रोल्स विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट्स माई कंट्रोल्स बिन डिबग कॉपी द DLL एंड पेस्ट हियर, रिप्लेस ऑलरेडी है, रिप्लेस करते हैं उसको। और दोबारा से हम क्या करते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट विंडोज एप्लीकेशन, लोड करो प्रोजेक्ट को। ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक टैब ऐड किया था, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, दोबारा से मैं एक टैब यहाँ पर ऐड कर देता हूँ माय कंट्रोल्स, इस टैब के अंदर राइट क्लिक, चूज आइटम्स, ब्राउज डेस्कटॉप, सिलेक्ट DLL, लोड इट, कंट्रोल विल बी अवेलेबल, सिलेक्ट कंट्रोल, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अभी ये जो टाइमर है, जो वॉच है, अभी ये स्टॉप मोड में है, इनिशियली वो चल ही रहा था। तो यहाँ पर अभी यूज़र इस डिजिटल वॉच को यूज़ करना चाहता है तो वो इसको कंट्रोल करेगा अपने इंटरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर मैं तीन बटन ले लेता हूँ, एक वॉच को स्टार्ट करने के लिए, एक स्टॉप करने के लिए और एक रीसेट करने के लिए। तो बटन वन इज़ फॉर स्टार्ट, बटन टू इज़ फॉर स्टॉप एंड बटन थ्री इज़ फॉर रीसेट। अगर आप इस कंट्रोल को सिलेक्ट करोगे तो देखोगे इसका नाम जो आया है वो माई वॉच वन। हमने जो यूज़र कंट्रोल बनाया माई वॉच नाम का, वो एक क्लास थी और उसके जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो माई वॉच वन, माई वॉच टू। मगर अगर आप यहाँ से सेकेंड लेते हो तो इसका अपने आप नाम रहेगा माई वॉच टू। जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स आप इस वॉच के ले सकते हो, जैसे हम किसी भी कंट्रोल के लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स वन, टेक्स्ट बॉक्स टू, बटन वन, बटन टू, लाइक दैट। तो स्टार्ट पे हमें कोड लिखना है माई वॉच वन डॉट, आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट वॉच, तो ये वॉच को स्टार्ट करेगा जिसमें हमने ऑलरेडी कोड लिखा है टाइमर वन डॉट स्टार्ट का। सेकेंड हम लिखेंगे बटन टू के क्लिक इवेंट पे माई वॉच वन डॉट स्टॉप वॉच, जो कि वॉच को स्टॉप करेगा। और रिसेट पे हम कोड लिखेंगे माई वॉच वन डॉट रिसेट वॉच। ओके सो लेट्स रन दिस।
स्टार्ट द वॉच, या वॉच इज सक्सेसफुली स्टार्टेड। अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हो, क्लिक द स्टॉप बटन। आप इसको रिसेट करना चाहते हो, रिसेट बटन। सो इट इज़ वेरी इजी टू क्रिएट अ यूज़र कंट्रोल इन VB.NET। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको शेयर और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।